गतिशील महिला का हाथ। और इन्होंने सवाल पूछा है कि हर काम अच्छा होते होते क्यों बिगड़ जाता है और इनको लाखों रुपए का नुकसान भी होता है, जबकि हथेली में मुझे करोड़पति होने के, बिलियनर मिलियनर बनने के साइन दिख रहे हैं। आगे विवेचना करता हूँ। श्री गणेशाय नमः, माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। देखिए, ये है इनका मनी ट्रायंगल। और जो अब लॉस इनको हो रहा है, वो हो रहा है माइंड की लाइन पे पड़ने वाले ये तीन तिल, ये दाग। इनकी 40 के आसपास इनकी उम्र है, और ये जो माइंड लाइन पे तिल पड़े हैं, और इन्हें और इन तिलों ने, तीनों ने सामूहिक रूप से जो मनी ट्रायंगल बन रहा है उसको डेटोरेट कर दिया है। और ये तिल 40-41 तक का समय ले रहे हैं, 40-41 तक ये बने रहेंगे। तो 40-41 के समय तक जो उम्र का पड़ाव है, इनको थोड़ा सा संभल के भी रहना पड़ेगा। और ऐसी कोई भी व्यावसायिक जोखिम भरी जो व्यावसायिक गतिविधि है वो चालू नहीं करना है। अब इनके हाथ में कुछ अच्छे बनने वाले साइन में यदि मैं देखूं तो देखिए, सूर्य पर्वत पे एक मछली का एक साइन बना और उसके बाद में वो धूमिल हो गया, या हम उसे कह लें कि बन रहा है, नहीं, ये धूमिल होने का निशान है, क्योंकि साइन की जो दूसरी उसकी जो नीचे की लाइनें हैं वो बड़ी पुष्ट है, और इस पुष्टता को देखकर लगता है कि मछली पहले से विद्यमान थी और समय के थपेड़े और बदकिस्मती के कारण वो खत्म हो रही है। बहुत अच्छी मछली बनी है। सूर्य पर्वत पे मछली और उंगली का एकदम सीधा पुष्ट होना, ऐसे जातक सिंह राशि के होते हैं, ऐसे उसकी ज़्यादा संभावना होती है कि वो सिंह राशि के होएं। और सिंह राशि के जितने भी प्राणी होते हैं उनके किस्मत में धावा बोलना, शिकार करना और प्राप्त करना बड़ी धमक होती है, और धमक से ये अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और सभी हृदयों में जगह बना लेते हैं। इनका पराक्रम बहुत तेज होता है। अब जो दूसरा मुझे एक अच्छा चिन्ह दिख रहा है वो है इनके बुध पर्वत पे बनने वाली मछली। ये मछली भी बनकर अब धूमिल हो रही है। तो इनके हाथ से बहुत सारी चीज़ें, ये मछली मैं बना के छोड़ देता हूँ। तो बुध की मछली और शुक्र की मछली अगर संयुक्त रूप से प्रभाव दे दे तो व्यक्ति को बुद्धि, विस्तार, नाम, सुंदरता और वैभव, संपदा, संपन्नता और जो चीज़ें मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, सब चीज़ें उनको मिल सकती हैं। व्यापारिक लाइन देखिए इनकी कितनी पुष्ट है, कितनी पुष्ट है, बहुत पुष्ट इनकी व्यापारिक लाइन है। अब इनका सवाल है कि मुझे किसी भी, मैं व्यवसाय में जब जाती हूँ और जब मैं उसमें ये अपेक्षा करती हूँ कि मुझे लाखों करोड़ों रुपए मिलेगा, लेकिन मुझे वो लॉस उठाना पड़ता है, और वो जो गतिविधि व्यावसायिक चालू होती है आरंभिक स्तर पे ही उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम आती है कि व्यक्ति ठहर जाता है, जाति का ठहर जाती है। तो एक इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये तीन तिल है जो इनके ट्रायंगल को छू रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, एक लाइन, नेगेटिव लाइन मंगल पर्वत से निकलती है, लाइफ लाइन को क्रॉस करती है और राहु क्षेत्र में आती है। अब जब ये लाइन राहु क्षेत्र में आई तो इसने क्या किया कि इसने एक बहुत अच्छी जो राहु क्षेत्र से लक की लाइन निकली है उसको इसने काट दिया। एक लाइन को वो पहले भी काट चुकी है। अगर यही राहु के उपाय ये 10 साल 15 साल पहले कर लेती तो अब जब इनको जो चीज़ें 5-7 साल बाद मिलेगी वो इनको 15 साल पहले मिल जाती। तो एक मंत्र से हम 15 साल 20 साल 30 साल अपने बचा ले जाते हैं, और वो भी आप संभल पाए तो ठीक, नहीं तो पूरा जीवन भी व्यय में चला जाता है। अब यहाँ से जो लाइन निकली है राहु की, उसने इनकी लाइफ लाइन को काट दिया है। ये थोड़ा सा आगे बढ़ा है, एक लक लाइन को काट दिया है,
उसके पहले एक लकलाइन को और काट दिया है यहाँ नीचे से, थोड़ा आगे बढ़ती है ये दूसरी लकलाइन को भी काट दिया है और माइंड लाइन में जाकर वो समाप्त हो गई है। तो कोई भी लाइन जब माइंड लाइन में जाके समाप्त हो जाए, राहु की लाइन या लक लाइन, हमको एक नेगेटिव इफेक्ट देती है। एक चीज़ और मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ, ये इनकी एक अलग से लक लाइन है जो मंगल, जो इनके चंद्रमा पर्वत से निकल रही है। और देखिए कितनी सुंदर बनी है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल पे से निकली है, ट्रायंगल पे से निकलने वाली लाइन बहुत सुंदर होती है और बहुत संपन्नता लाती है, मन की शक्ति बढ़ाती है। थोड़ा सा अगर हम मिडिल में देखें तो जो मुझे अब सबसे ज़्यादा जो जड़ दिख रही है वो ये लक लाइन है, और इसमें इसमें ये लक लाइन है, और इसमें आप देखेंगे एक यव पड़ गया है, बहुत बारीक है ये, एक चींटी के शरीर से भी आधा होगा, इसको हम मैग्निफिकेशन पे ही देख पा रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव कर दिया, इस तरह का यव अगर लक लाइन पे और हथेली के मिडिल क्षेत्र में पड़ जाए, हमको ये पूरा हमारा जीवन मटिया मेट कर देता है। केवल एक छोटा सा यव हमारी इनकम की लक लाइन पे पड़ जाता है, इनको ये पहली फुर्सत में दूर करना है। यही इनकी सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ से आने वाली राहु की केवल एक लाइन। मित्रों आप खुद देखेंगे कि एक लाइन हमारे जीवन में करोड़ों प्लस कर सकती है और करोड़ों बर्बाद कर सकती है। हमारे जीवन की विकास यात्रा को 20 साल पीछे भी कर सकती है। प्रस्तुत हथेली में यही दिख रहा है, जबकि जाति का मछलियां लेके बैठी हुई हैं। इनके गुरु पर्वत पे भी मैं देख पा रहा हूँ एक सुंदर सी मछली बनी हुई है, सुंदर सी मछली बनी हुई है यहाँ भी। और सबसे ज़्यादा इनको जो प्रॉब्लम है वो है इनकी राहु की। तो जब तक ये राहु की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती हैं, तब तक मैं इन्हें बोलूँगा कि नई व्यावसायिक गतिविधियाँ ना चालू करें। और जैसे ही ये लाइन हटती है और राहु की जो लक लाइन है राहु पर्वत से निकलने वाली, वो और पुष्ट अवस्था में आती है, और पुष्ट अवस्था में आती है और शनि पर्वत पर पहुंचती है, तो ये एक बहुत बड़ी व्यावसायिक सफलता की गारंटी भी है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। श्री गणेशाय नमः, माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।